नमस्कार, मैं डॉक्टर डीसी डूडी सहाचार्य भूगोल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सामरले। आज विश्व के प्रादेशिक भूगोल पर पूर्ण प्रदेशों के संबंध में दृष्टि डालेंगे अपन। जो ये पूर्ण प्रदेश क्या होते हैं, पूर्ण प्रदेश अत्यधिक जटिल प्रदेश होते हैं जिसमें भूगोलवेता हिटलसी ने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों के संपूर्ण लक्षणों, जीवन यापन के पूर्ण लक्षणों तथा सामाजिक जीवन के विविध रूपों के अध्ययन को समावेशित किया। इस प्रकार कंपेज में भौतिक जैविक तत्वों तथा सामाजिक वातावरण के संबंध के आधार पर कारणों का विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर हिटलसी ने पूर्ण प्रदेशों या कंपेज के अध्ययन के लिए निम्नलिखित छह विषयों की सूची प्रस्तुत की है। नंबर एक, प्राकृतिक तथ्य। इसमें प्राकृतिक तथ्य जैसे भूरचना, उच्चावच एवं प्रवाही प्रणाली, जलवायु, मृदा सॉयल, वनस्पति, जीव जंतु। दूसरा है मानव क्रियाकलाप। मानव क्रियाकलाप में भोजन एकत्रीकरण, शिकार करना, मत्स्य खेत, खनन, वन काटना, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन, आदिवास तथा जनसंख्या। इस आधार पर हिटलसी ने कंपेज को उत्तम कोटि का प्रदेश माना है। आगे प्रादेशिक परिसीमन की विभिन्न विधियां, मेथड ऑफ रीजनल डेलिमिटेशन। धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रदेश मिलते हैं जिनका सीमांकन किसी न किसी आधार पर किया जाता है। प्रदेशों को सीमांकन का कारण प्रादेशिक परिसीमन कहलाता है। ये परिसीमन मुख्य दो विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर एक गुणात्मक, नंबर दो मात्रात्मक। गुणात्मक विधि द्वारा प्रदेश की परिसीमन, मात्रात्मक विश्लेषण विधि द्वारा प्रादेशिक परिसीमन। ये गुणात्मक विश्लेषण विधि क्या है? इस विधि द्वारा सर्वप्रथम प्रदेश के कुछ प्रमुख सूचक तथ्यों का चयन करते हैं जो सीमांकन का प्रमुख आधार होता है। ये तत्व प्रदेश में विविध कार्यों को लक्षणों तथा विशेषताओं के सूचक होते हैं। इन तत्वों का विश्लेषण करके सूचकों के क्षेत्रों को अलग अलग मानचित्र बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित करते हैं। ये पूर्ण रूप से एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, अतः सभी सूचक क्षेत्रों को सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए अन्वेषण विधि द्वारा प्रदेश की सीमा रेखा अंकित कर परिसीमन पूर्ण किया जाता है, जिसमें सूचक तत्व इंडिकेट आधार बेस या तत्व का चयन होता है। आधारों का विश्लेषण तथा सूचक क्षेत्रों का परिसीमन, मानचित्र अध्यारोपण या प्रादेशिक परिसीमन के द्वारा। फिर है दूसरा मात्रात्मक विश्लेषण विधि, क्वांटिटी एनालिसिस मेथड। ये मात्रात्मक विश्लेषण विधि को गणितीय या सांख्यिकीय विधियों द्वारा पूरा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग नगरीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा कृषि प्रदेशों के सीमांकन के किया जाता है। वर्तमान में गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रादेशिक परिसीमन के प्रयुक्त प्रमुख मात्रात्मक विधि निम्न है, जिनका प्रयोग पीटर हेंगेट ने कार्पो लक्षी प्रदेशों के सीमांकन में किया। जिसे नंबर एक